सो हाई गाइज, एक्सप्लोर राइडर हियर, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एक्चुअली आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो है, अगर आप गाड़ी लेके लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो कौन सा चीज़ है आपको एक बार चेक करके उसके बाद गाड़ी को लेके जाना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दो वीडियो डाला है, एक है हाउ टू चेक दैट इंजिन ऑयल एंड ऑल्सो दैट हाउ टू चेक दैट इंजिन कूलेंट टेम्परेचर और लाइक दैट थिंग। तो आपको दो चीज़ आपको चेक करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है इंजन ऑयल चेक करना चाहिए, उसके बाद आपको चेक करना चाहिए कि मतलब गाड़ी का जो कूलेंट है वो आपको चेक करना चाहिए, उसके बाद एक बार फ्यूज़ बॉक्स जो है वो आप चेक करना चाहिए। तो मैं एक बार देखा देता हूँ गाड़ी का बोनेट ओपन करके। सो मैंने गाड़ी का बोनेट ओपन कर दिया। तो मैंने एक्चुअली पहले वाला वीडियो पे तो मैंने दिखाई दिया था, इधर है इंजन ऑयल, आपको इधर से चेक करना होगा, इधर होगा जो रेडी है मतलब कूलेंट का जो लेवल है आपको यहाँ से देखना होगा, इधर है मिनिमम, इधर है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम और मैक्सिमम के ऊपर होगा तो ठीक है। ये है आपको ब्रेक ऑयल भी आपको एक बार चेक करना चाहिए। ये देखो इधर है मैक्स और इधर है मिनिमम लिमिट। तो ब्रेक ऑयल इधर भी होता है, मतलब इस साइड पे होता है कौन सा भी गाड़ी। और आपको अगर इलेक्ट्रिकल पे कुछ भी इशू है गाड़ी पे तो फ्यूज़ बॉक्स को आपको चेक करना चाहिए। इधर से फ्यूज़ बॉक्स ओपन होता है, आप देखो। सो फ्यूज़ बॉक्स को भी आपको एक बार चेक करना चाहिए। एक मिनट, ये फ्यूज़ बॉक्स है, एक बार लगा देता हूँ। तो फ्यूज़ बॉक्स लग गया। तो ये तीन चार चीज़ है आपको देखना होगा। और एक चीज़ मतलब आपको चारों टायर का प्रेशर चेक करना होगा गाड़ी ले जाने से पहले। अगर आप नाइट्रोजन डाल रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तीन चार महीने तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एयर प्रेशर वैसे का वैसा ही रहेगा। अगर नॉर्मल एयर है तो हाँ, फ्रिक्वेंटली आपको चेक करना चाहिए। तो ये एक बात है। और लास्ट थिंग कि मतलब स्टेपनी का जो टायर प्रेशर है उसको भी आपको चेक करना होगा। मेरा हालांकि ऐसे अनयूज्ड होगा भी तो गाड़ी का एक बार एयर प्रेशर चेक करके एयर डाल लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल अगर वो टायर खड़ा मतलब नॉर्मल रहेगा तो हाँ एयर का मतलब कम हो सकता है। तो ये तीन चार चीज़ है, मतलब इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल का मतलब अगर गाड़ी आपका पुराना है तीन चार साल तो ब्रेक ऑयल एक बार आपको चेक करना होगा। एंड हाँ, वाइपर जो फ्लूइड है ये भी आपको टॉपअप कर लेना चाहिए। और ये नॉर्मल कूलेंट लेवल, इंजन ऑयल का प्रेशर एंड फ्यूज़ बॉक्स आपको एक बार चेक करना चाहिए। और एक बार मतलब गाड़ी एक बार नॉर्मल छोटा सा एक दो तीन किलोमीटर चला के देखा हो चाहिए गाड़ी में कोई दिक्कत है कि नहीं। तो ये तीन चार चीज़ें हैं आपको देखना होगा एंड उसके बाद आप गाड़ी लेके जाओ लॉन्ग ड्राइव पे। सो दैट्स इट फॉर नाउ। या थैंक यू एक्सप्लोर राइडर साइनिंग ऑफ। ये एक छोटा सा एक्चुअली इंफॉर्मेटिव वीडियो था रिगार्डिंग दैट व्हिच थिंग आप मीन्स यू शुड चेक when you go a long drive. So yeah, thank you.